और खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है, जहां पर राजस्व पीडब्ल्यूडी और नापतौल विभाग की मिली भगत से पारस बाईपास में गुरुदेव धर्मकांटा अवैध रूप से संचालित हो रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत और भ्रष्टाचार को उजागर करता है और व्यापारी के अवैध कारोबार पर प्रशासन की मौन सहमति है। सरकार भूमि पर अवैध व्यापार संचालित हो रहा है। सरकार भूमि का डायवर्जन कराकर धर्मकांटा का निर्माण करना एक बड़े साजिश को जन्म दे रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ सर, मेरे को लगा कि ये सड़क के दायरे में आता है, ऐसा सोच के आरटीआई लगाया पीडब्ल्यूडी में। उससे मेरे को जानकारी मिली, उसको हम नोटिस भेज चुके हैं, ऐसा करके बस जानकारी मिली। फिर बाद में एसडीएम के यहाँ भी आरटीआई लगाया, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई किए हैं विभागी जानेंगे, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है। पर मेरे को भी जानकारी मिली, जैसे ही एसडीएम नापतौल विभाग को शिकायत किया, उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिए। हाँ सर, बाद में कार्रवाई संबंधी जानकारी दिए थे सर कि उसका जो निर्माण है अवैध है, उस पर हमने कार्रवाई के लिए या उसको हटाने के लिए नोटिस भेजे।